आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर अलीगढ़ से, जहां प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बैंकेट हॉल पहुंच पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने पर कहा कि पहले बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिला दें, फिर यूपी आएं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि पार्टी परिवार जोड़ो आंदोलन बहुत अच्छे से चला रही है। उत्तराखंड अंकिता हत्याकांड को लेकर कहा कि दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि वह सत्पुरुष हैं, उन्हें अपना मानसिक संतुलन सुधारना चाहिए। सपा नेता आजम खां को लेकर कहा कि भाजपा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, अगर वह दोषी है तो उन्हें सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिग्विजय सिंह जी को आज की वर्तमान राजनीति में कोई गंभीरता से नहीं लेता है, और मैं समझता हूँ उनको बीजेपी और जनसंघ को अच्छी तरीके से जानने की जरूरत है। संघ में पहले से ही मुस्लिम जो कहा जाता है कि वहाँ पर मुस्लिम मंच एक है, उसको पहले से उसमें हमारे मुस्लिम बंधु जो राष्ट्र सेवा में समर्पित है उसमें काम करते हैं। बीजेपी में भी अल्पसंख्यक मोर्चा पहले से है, वो काम करता है। बीजेपी कोई किसी जाति और धर्म की विरोधी पार्टी नहीं है। नहीं नहीं, देखिए वो एक ऐसा विषय है जिस पर समय समय पर काफ़ी गहराई से छानबीन हुई है, और मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ लोग हैं, जो भी बातें आएंगी वही बता सकते इस बारे में। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां डिप्टी सीएम विजय पाठक ने जनपद पहुंचकर कई विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण कर सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही पंडित दीनदयाल की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि आज पीएम मोदी पंडित दीनदयाल के सपनों को पूरा कर रहे हैं। जयंती समारोह है और देश भर में सभी रूप में मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को, एकांत मानववाद के सिद्धांत को सदे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जमीन पर उतारने का काम किया है। आज हर गरीब को पक्का मकान मिल रहा है, उनके घर में शुद्ध पेयजल 2024 तक पहुंचेगा, उज्ज्वला गैस योजना मिली है, किसान सम्मान निधि मिली है, महीने में दो बार लगातार राशन दिया जा रहा है। कोविड महामारी के दौरान जिस दिन से निःशुल्क टीकाकरण हुआ है, दुनिया ने भारत के प्रधानमंत्री जी को सराहा है। यही सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की थी। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें नमन करता हूँ, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबर अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के तहत चुनाव प्रक्रिया की सरगर्मियां तेज होती दिख रही हैं। वहीं स्नातक ओल्ड बॉयज की सदस्य एमयू के शिक्षा स्तर की कमियां दूर करने में मदद करते हुए बता दें कि 2016 के चुनाव में हुए धांधली के चलते इलाहाबाद कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। साथ ही एक बार फिर केंद्रीय कार्यकारी समिति के चुनाव को लेकर नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम ओल्ड बॉयज एसोसिएशन पेरेंटल बॉडी का इलेक्शन 2013 में हुआ था, लास्ट टाइम जो हुआ था 2016 तक उसका टर्म था। तो जो मौजूदा एसोसिएशन पे जो लोग काबिज थे उन्होंने 16 से लेकर अभी तक इलेक्शन नहीं कराया। हाई कोर्ट के आदेश से ही इलेक्शन हो रहा है जो हो रहा है, और इस इलेक्शन के अंदर जो है बहुत सी इतनी गड़बड़ियाँ हैं इसके अंदर, जो लिस्ट बनी है इसकी उसके अंदर गड़बड़ी है। तो कुछ लोगों ने उसकी शिकायत कमिश्नर के यहाँ भी करी है, हाई कोर्ट में भी करी है, जो लिस्ट के अंदर गड़बड़ी है, फर्जी वोटर बना दिए हैं, एक एक एड्रेस पे 200-300 वोटर हैं एक एक शहर के अंदर। जो मौजूदा इसी एसोसिएशन के अंदर थे एक साहब, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं सेक्रेटरी का, उन्होंने अपने घर के अपने वतन के एड्रेस पे 300-300 वोट, ऐसे ऐसे लोग वोटर हैं जो। खबर अमेठी से, जहां जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के बड़े शराब माफियों के रूप में दर्जा भीमसेन के खिलाफ अमेठी कोतवाली पुलिस के राजस्व विभाग के संयुक्त कार्रवाई के तहत 1,53,05,553 के दो प्लॉटों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन के पास बाईपास पर स्थित दो प्लॉटों की भी को भी जब्त कर लिया गया है। भीमसेन और प्राजू पुत्र शेष नारायण सिंह निवासी पूर्व गांव पिठावर के अपराध से अर्जित धन के आधार पर खरीदी गई संपत्ति, जिसका मूल्य 1,53,05,553
5,553 रुपये है कुर्की में। खबर गाजियाबाद से, जहां किसानों ने महापंचायत का आयोजन कर रहा प्रशासन किसानों पर लगे गुंडा एक्ट को खत्म कर किसानों और पुलिस के मध्य सकारात्मक माहौल बनाए। वहीं इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। साथ ही कहा कि अगर किसानों की मांग को प्रशासन ने पूरा नहीं किया तो आगे वाले दशहरे में पीएम मोदी, सीएम योगी और मोहन भागवत का पुतला फूंकने की चेतावनी भी दी। पंचायत में सभी किसानों ने पहले तो प्रार्थना ही करी, भाई हमारा समाधान कर दें। 6 साल से करते आ रहे हैं प्रार्थना शांति से ही, भाई हमारा समाधान कर दें। हम लूट लिए, बर्बाद कर दिए किसान, 6 गांव के किसान पीड़ित हैं, जमीन छीन ली, कोई रोजगार नहीं है। लेकिन एक ना सुनी, अब ये आज निर्णय लिया है कि यदि इन्होंने हमारा समाधान नहीं करा जल्दी ही कुछ, तो हम जैसे इन्होंने घर घर तिरंगा झंडा लगवाया है, ये तो हम लगाते ही रहे पहले से ही, और इससे कोई समाधान होने वाला? अब यदि नहीं, ऐसा इन्होंने नहीं किया तो हम घर घर पुतले बना करके घर घर इनके दशहरा मनाएंगे, पुतले फूकेंगे। और यदि इससे बचना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी हमारा कोई समाधान निकाल लें, वार्ता करें, और नहीं तो हम ये ठोस निर्णय लेंगे ही। पुतले जो यहाँ चलने वाले जलाएंगे धरने पे, वो बनाएंगे कहाँ उन्हें? जैसे हम गुप्त रखेंगे जी, इसको बताने लायक बात नहीं है, क्योंकि हम जो है सभी सैनिक के रूप में काम करेंगे। पहले तो सब घर घर बनाएंगे, उसकी तैयारी आज से शुरू कर देंगे, और यहाँ जो जलने वाले हैं उन्हें बताना नहीं चाह रहे हैं, उन्हें गुप्त रखेंगे। गोंडा में एक 10 साल की नाबालिग लड़की की गुमशुदा होने की सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने गुमशुदा लड़की की बरामदगी के लिए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और उनकी टीम को निर्देशित किया है। निर्देशन के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम ने कैमरों, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर खोजबीन करके अपहरण 2 घंटे के अंदर बरामद करने में सफल हुए हैं, जिसके संबंध में थाना को नगर पुलिस की ओर से अभियुक्त पंजीकृत एवं नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वांछित अभियुक्त संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद गोंडा कोतवाली नगर में 24 सितंबर की सायंकाल 5 बजे एक 11 वर्षीय बालिका की गुमशुदगी की सूचना लेकर उसके परिजन उपस्थित हुए थाना कार्यालय में। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और उनकी सभी टीम के द्वारा जो गुमशुदा बच्चों के खोजने की SOP है उसका अनुपालन करते हुए सभी CCTV कैमरा और बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन सभी जगह खोजबीन की गई, और जो भी बाहर जाने वाली बसें और ट्रेन थी उनको देखा गया। इसी क्रम में जानकारी मिली कि बच्ची लखनऊ जाने वाली बस में बैठी हुई है, तो इस सूचना पर एक उस बस का पता लगाया गया और उसको कर्नलगंज में रुकवा करके और उस बच्ची को सकुशल बरामद किया। शाहजहाँपुर के आल सेट स्कूल परिसर में लायंस क्लब शाहजहाँपुर शक्ति एवं वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ दंपत्ति डॉक्टर रवि मोहन और डॉक्टर संगीता मोहन ने फीता काट के किया। इस दौरान 17 डॉक्टरों की टीम ने सैकड़ों लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया। निःशुल्क मेडिकल कैंप में संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा दी गई। मौके पर मुकेश जैन प्रबंधक, सचिन बाथम, अनुप्रिया रेवती सचिव लाइन, अमन बग्गा कोषाध्यक्ष सपना, सिंगल एक्टिविटी चेयरपर्सन रुचिता गुप्ता समेत कई लोग वहाँ मौजूद रहे। देखिए, लायंस क्लब शक्ति और लायंस क्लब विशाल के तत्वाधान में वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज की टीम के साथ एक बहुत ही बड़े स्केल पे एक वृहद मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। अगर हम सर से बात करते हैं तो एक न्यूरोलॉजिस्ट से लेके और फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, फिर कानों के डॉक्टर जिनको हम ENT बोलते हैं, फिर स्किन वाले, बच्चों वाले, पीडिया वाले, लेडीज़ के डॉक्टर्स जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, जनरल मेडिसिन, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं, और डायग्नोस्टिक सेंटर भी यहाँ पर है। यहाँ पर ECG की सुविधा भी दी गई है इन लोगों के द्वारा, लायंस क्लब शक्ति के द्वारा, और बहुत ही अच्छा मेडिकल कैंप लगा है। मैं लगातार देख रही हूँ कि मरीजों का आना जाना लगा हुआ है, और यहाँ पर अभी तक करीब करीब 350-400 लोग इसका लाभ ले चुके हैं। लायंस क्लब की तरफ से लगाया गया ये मेडिकल कैंप निश्चित रूप से शाहजहाँपुर वासियों के लिए एक सराहनीय कार्य है। समाज सेवा के क्षेत्र में हम अपने सेहत के लिए जो भी कार्य करते हैं वो निश्चित तौर से पुनीत कार्य होता है, और इसमें लायंस क्लब के मेंबर्स ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर ये सफल कार्यक्रम कराया है, इसलिए पूरे लायंस क्लब के मेंबर्स और अधिकारी इसके बधाई के पात्र हैं। साथ ही सचिन बाथम जैसा समाज सेवी जिसने अपने स्कूल को
इसके लिए समर्पित किया है वो भी बधाई के पात्र है। सुल्तानपुर में सालों पहले जिन नालियों का निर्माण हुआ था लेकिन आज तक उनकी साफ सफाई नहीं हुई। हल्की बारिश से मोहल्ले में जल भराव हो जाता है और घरों में पानी भर जाता है। दरियापुर मोहल्ले के लोग नगर पालिका प्रशासन से परेशान हैं। 6 फीट नाले में केवल 6 इंच ही पानी बहता है, बाकी पूरा कचरा भरा हुआ है। बारिश में गंदा पानी सैकड़ों घरों में 1.5-2 फीट तक दाखिल हो जाता है, जिसकी शिकायत वो कर चुके हैं लिखित में। मौखिक होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई है, लेकिन जिम्मेदार मामले को लेकर लापरवाह हैं। बरसात में जरा से पानी बरसता है तो ये दरियापुर जो सूरत टाकी वाली गली है उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है। घरों में भी पानी छुपे घुस जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। नाले की सफाई न होना सबसे बड़ी समस्या है। 6 फीट गहरा नाला है जिसमें 6 इंच पानी बहता है। अब बताइए इसमें कैसे नाले की सफाई नहीं होने की वजह से पानी घरों में घुसता है। दरियापुर मोहल्ला जो शहर का निचला इलाका है, यहाँ आधे शहर का पानी यहीं से एक नाला गुजरता है जो गवड़िया नाले में मिलता है, उसी से निकलता है। बरसात के समय में यहाँ पूरे तालाब जैसी स्थिति हो जाती है और सैकड़ों घरों में पानी 2 से 2.5-3 फुट भर जाता है। नगर पालिका प्रशासन से 5 सालों में कम से कम सैकड़ों बार रिक्वेस्ट की गई तो नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को इससे कोई मतलब नहीं कि चाहे बाढ़ आए, चाहे जल भराव हो, चाहे लोगों का लाखों का नुकसान हो जाए। जिलाधिकारी महोदय को भी बार बार हम लोगों ने पत्र लिख करके कहा कि जो राइट नगर और गभड़िया के इलाके हैं वहाँ नालों पर जबरदस्त तरीके से अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को हटाएंगे नहीं, सफाई नहीं कराएंगे तो जल भराव की समस्या बनी रहती। खबर गोरखपुर से, जहाँ जल निगम में ट्रैक्टर लगवाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले शातिर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से ठगी के 85,000 रुपए बरामद कर लिए हैं और कुछ साथी फरार चल रहे हैं। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर घटना की जानकारी दी। साथी फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए। जनपद गोरखपुर के थाना कैंट पुलिस को आज एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे जालसाज गिरोह को गिरफ्तार किया है जो ठेकेदार एवं जल निगम के अधिकारी बन लोगों से ट्रैक्टर लगवाने के जल निगम में पैसे लेते थे। इस तरह उन्होंने एक व्यक्ति को 11 सितंबर को कॉल किया द्विवेदी बनकर, जो कि वो वास्तव में द्विवेदी नहीं था, वो व्यक्ति राजेंद्र पासवान था जिसने द्विवेदी बन के कॉल किया और कॉल करने के उपरांत उसने बताया कि आपका जल निगम में ट्रैक्टर लगवा देंगे, उसके लिए आप 1.5 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करिए। अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके में अवंतीबाई चौराहे के निकट उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब कस्बे के मोहल्ला सरायवली में गमी में शामिल होकर महिलाएं अन्य लोगों के साथ वापस दिल्ली जा रही थी। तभी एक अज्ञात वाहन ने 3 महिलाओं को रौंद दिया, जिसमें मां बेटी समेत 3 घायल महिलाओं ने मौके पर दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये शाम की घटना है, लगभग 6:30-7 के बीच में। कुछ लोग सड़क के किनारे से जा रहे थे हीरो मोटर्स के सामने, वहाँ पे एक अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मार करके एक्सीडेंट कारित किया गया, जिसमें बाद में वो तत्काल पुलिस पहुंचकर अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई। सर, इसमें कुछ और लोग भी थे घायल? नहीं, और इस तरह से घायल नहीं है। 3 महिलाओं को चोटें आई थी, गंभीर चोटें आई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। आगे अज्ञात वाहन की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और तलाश जारी है। खबर अलीगढ़ से, जहां कई दिनों से लापता युवक की लाश पर बाइक नहर किनारे बरामद की गई है। वहीं ग्रामीणों ने युवक के परिजन पर पुलिस की घटना की जानकारी दी है। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच के कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर अलीगढ़ से, जहां दबंग पड़ोसियों ने महिला के साथ मारपीट कर उसे घर पर कब्जा कर लिया। वहीं पीड़िता ने बताया कि पिछले 50 साल से वह यहीं रह रही है, उनसे मारपीट कर जबरन मकान पर कब्जा कर लिया है। साथ ही पीड़िता ने SSP व DM साहब के सामने न्याय की गुहार लगाई है। अंदर से मारते हुए मुझे खींच के यहाँ लेके नंगी कर दिया, मुझे सारे कपड़े फाड़ दिए मेरे। मैं नहीं, बहुत रोई, मेरे महल्ले वालों ने भी बचाया, नहीं बचाते तो मुझे मार देते जान से। उन्होंने बचाया तो उनपे भी ये कह रहे हैं हम तुम्हें फंसवा देंगे, ऐसे बोल रहे हैं ये लोग। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी मदद हो, हमारी मदद भी तो चाहिए, और ये भी किराएदार हैं और हम भी किराएदार हैं,
और 50 साल से हमारी माँ भी 50 साल से ये है, इन्होंने नहीं है पता नहीं चली दुपा चोरी, इन्होंने मकान लिखवा लिया और इसलिए हमारी माँ कह रही है हमें पता नहीं अब हमारा मकान गिर गई छत, तो ये कह रहे हैं कि निकल जाओ। ये लोग 70 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा यहीं पे अच्छा आएंगे। ये अभी जुमे के दिन रात को ये मकान पूरा एक साथ गिर गया बारिश में बड़े बड़े गिर रहे हैं, तो बहुत पुराना बना हुआ है। अब ये इन लोगों ने सुबह इसका बनवाने के लिए कोई प्रक्रिया करी तो इन लोगों ने इनके साथ रात को 10:15 जो इनसे किया गया बहुत अच्छी तरीके से मारपीट की। खबर श्रावस्ती से, जहां पर सड़क से लेकर गांव के गलियों और चौक चौराहों के साथ किसानों के खेतों में आवारा पशुओं का आतंक है। सड़क पर घूम रहे आवारा जानवर से आए दिन सड़क हादसे में लोग घायल होते रहते हैं तो कहीं जान भी गंवानी पड़ जाती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खड़ी फसलों को आवारा पशु छूटा तहस नहस करके बर्बाद कर देते हैं, जिससे निजात पाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह लगातार कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही जिलेवासियों को छुट्टा आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। जनपद में कुल 22 अस्थाई एवं अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल वर्तमान में प्रचलित हैं, जहां पे गोवंश संरक्षण किया जा रहा है और गायों की देखभाल की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारा गोवंश संरक्षण का लक्ष्य है उसमें से अभी जितने पशु बच रहे हैं जिनको हम अभी तक संरक्षित नहीं कर पाए हैं उसके लिए वर्तमान में 2 वृहद गोवंश आश्रय स्थल जिसकी क्षमता लगभग 500 पशु की एवं करीब 48 नए अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल जो कि नरेगा द्वारा निर्मित कराए जा रहे हैं बहुत ही एडवांस स्टेज में हैं और बारिश की वजह से उनका काम थोड़ा सा इधर 4-5 दिन रुक गया। अदरवाइज आने वाले 10-15 दिन में हम लोग करीब 30-35 गौशालाएँ अस्थायी पूर्ण कर लेंगे। वे सारा पशु थे उसकी सेंसस के हिसाब से 10,600 के लगभग थे, जिसमें करीब हमारी गौशालाओं में 3,056 और इससे अधिक हैं क्योंकि पंजीकृत गौशाला भी हमारे पास है और अभी एक नई गौशाला भी एक आध जो काम करने लगी उसमें भी हमने पशु रख दिए तो और कुछ सहभागिता में हमारे 400-758 पशु करीब सहभागिता दे दिए गए हैं। इस तरह से करीब 4,500 के लगभग पशु संरक्षित। बिजनौर जनपद में नशे के रोकथाम के लिए नया सवेरा अभियान के तहत नशीले पदार्थ के तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी दौरान बिजनौर पुलिस ने गैर जनपदीय तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसके पास से भारी मात्रा में गांजा भांग बरामद किए गए हैं। साथ ही आरोपी तस्कर को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। शासन द्वारा नशीले पदार्थों के क्रय विक्रय परिवहन का एक अभियान चलाया जा रहा है और उसी क्रम में जनपद में नया सवेरा नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत हम लोग जो इसके नशीले पदार्थों के क्रय विक्रय करने वाले हैं पेडलर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इसमें पीड़ित हैं उनको भी चिन्हित करके उनको नशा मुक्ति की तरफ ला करके उनको परिवार से समाज से पुनः जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में जो है चाँदपुर की टीम ने एक व्यक्ति राजन और राजू शर्मा निवासी हरदोई का है इसे गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 106 पुड़िया गांजा, 36 किलोग्राम सूखी भांग, 46 पुड़िया भांग की गोली, 3 पैकेट इसी तरह से कई प्रकार के नशीले पदार्थ पाउडर उससे मिले जो है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।